हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है, विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने IPv4 के अंदर कैसा RIP को कॉन्फ़िगर करते हुए देखा था और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बारे में जाना था कि भाई लूपबैक इंटरफेस किसको बोलते हैं और समराइजेशन किसको बोलते हैं, पैसिव इंटरफेस किसको बोलते हैं। अब इस बार हम IPv6 RIPNG बोल के बोलते हैं इसको, जो अपडेटेड वर्जन है RIPNG स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑन IPv6 के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी सेम है कॉन्फ़िगरेशन, ये लैब तो टेम्पलेट लैब है, इसको आप गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मतलब कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वैन कॉन्फ़िगरेशन IPv6 है, जब वो करीब है समझो। इसके अंदर ये IP एड्रेसेस चढ़े हुए हैं, अब हम देखेंगे शो IPv6 रूट। फिलहाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कनेक्टेड लिंक लोकल है। तो इसके वास्ते थोड़ा डिफरेंट है, मतलब पहले इधर का देख लेंगे। IPv4 के वास्ते हमारे को क्या करना है, एक राउटिंग वर्जन 2 करके अपने नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कर देना, ख़त्म, इतना कर देने से हो जाता। लेकिन IPv6 के अंदर RIPNG IPv6 इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता बोले तो, आपको पहले तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग ये एनेबल करना पड़ेगा कॉन्फ़िग के अंदर, वो करके फिर कॉन्फ़िग के अंदर आपको क्या करना पड़ता, IPv6 राउटर रिप एक नाम दे देना, नेम। फिर उसके बाद आपको आता कॉन्फ़िग इंटरफेस टाइप नंबर, ये कर दिए। फिर उसके बाद कॉन्फ़िग इफ IPv6 रिप और जो नाम आप वहाँ पे क्रिएट करे थे उस नेम का डाल देना। ये इसका फॉर्मूला IPv6 का, बेसिक कैसा वो करना हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। और इसके अंदर कैसा है, IPv6 के अंदर आप मल्टी वो बना सकते, मल्टी रूट्स बना सकते हैं समझो, ये एक फ़ायदा है RIPNG का। अब हम जाए कॉन्फ़िग चले गए, पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एनेबल करें, IPv6 की राउटिंग। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, IPv6 राउटर रिप, मैं नेम बनाता हूँ वीक, ये बना दिया। अब इसके अंदर मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, एग्जिट हो जाओ यहाँ से, क्या बोलते हैं अब कॉन्फ़िगर राउटर, क्या आप कॉन्फ़िगर करेंगे, हम तो बना दिए ऑलरेडी। तो अब इसके अंदर क्या करना, इंटरफेस सीरियल 1/0। अब यहाँ पर क्या करना अपने को, राउटर रिप नहीं IPv6 रिप विक एनेबल, फिर एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/2 IPv6 रिप विक एनेबल, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 रिप विक एनेबल एग्जिट। बस इस तरीके से दूसरों पे भी करना है, ब्रांच 2 पे चले गए, फिर उसके बाद ब्रांच 1 EN कॉन्फ़िग क्या करना है, पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एनेबल कर दिए, फिर उसके बाद IPv6 राउटर रिप वीक क्रिएट कर दिए, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0 IPv6
रिप वीक अनेबल कर दिए। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1x1 IPv6 रिप वीक अनेबल। इस तरीके से सारे इंटरफेस है, जितने इंटरफेसेस है उस पर हम आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर लेते जाना पड़ता। इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0x0, फिर IPv6 रिप वीक अनेबल, इधर भी आ गए। अब ब्रांच 3 की बारी, सेम है ENConfig IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग राउट IPv6 राउटर रिप वीक। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1x1 IPv6 रिप वीक एनेबल। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1x2 सेम IPv6 रिप वीक एनेबल। एग्जिट इंटरफेस सीरियल सीरियल नहीं है, सीरियल हो गया, फास्ट एथरनेट 0x0 IPv6 रिप वीक एनेबल। एग्जिट शो IPv6 रूट, देख रहा 2001 कॉन्फिगर है, 120 इसका एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस है, पहुंच रहा कैसा 2 हॉप से, सीरियल 1x1 1x2, फिर इधर भी इधर है, 444 नेटवर्क भी कनेक्टेड है, 555 नेटवर्क भी कनेक्टेड है, रूट आ गया। पिंग करके देखेंगे पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। नेक्स्ट स्टॉप पिंग 2001:666। देखो नेटवर्क 3 ब्रांच 3 के अंदर पहुंच जाना। 2 एवरीथिंग 555 रिप्लाई बाय कर रहा। इस तरीके से हम RIP को IPv6 में कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसा वेरीफाई करना है, शो IPv6 रूट मान लिए। अब इसके थोड़े क्या है बोलते, RIP यहाँ पे ख़त्म हो जाता अपना, हम नेक्स्ट OSPF अब देखेंगे, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिजेस ऑफ RIP। मोर बैंडविड्थ, ये बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करता, मतलब कि भाई अपडेट्स भेजने के वास्ते हर 30 सेकेंड को तब पूरा पैकेट भेजना करना, वो है समझो। और दूसरा अपने पास क्या है बोले तो सिर्फ एक तो लिमिटेशन है 15 हॉप्स का, मतलब कि भाई अनलिमिटेड आप हॉप्स नहीं लगा सकते, 15 स्मॉल नेटवर्क्स के वास्ते एनेबल है ये, मतलब कि भाई लिमिटेशंस है ओनली 15 हॉप्स कैन रीच टू। और दूसरा क्या है बोलो, मैट्रिक कैलकुलेशन इज ओनली हॉप काउंट, मतलब क्या है इसका बोले तो अब यहाँ पे से एक राउटर, यहाँ से अगर मैं ये ब्रांच 2 से मेरे को ब्रांच 3 को जाना है तो ये एक रूट है और दूसरी एक रूट है। अगर यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो 1 2 हॉप काउंट्स, अगर इधर से जा रहा हूँ तो 1 हॉप काउंट लग रहा, तो इन्हें हमेशा 1 हॉप काउंट को चूज़ करेंगे। चाहे अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं बैंडविड्थ, ये अगर ये लेंथ पे मैं बैंडविड्थ अगर 10 Mbps लगाया और यहाँ पे 5 Mbps लगाया तो यहाँ से जल्दी इधर, अगर यहाँ पे 10 Mbps यहाँ पे 5 Mbps लगाया तो यहाँ से जल्दी पहुँच जाते अपन, लेकिन फिर भी इन्हें ये रास्ता चूज़ करता पहुँचने के वास्ते। तो उसके वास्ते इन्हें दूसरे मैट्रिक कैलकुलेशन, जैसा कि बैंडविड्थ है, डीले, इस तरीके के डिफरेंट मैट्रिक कैलकुलेशंस है, कॉस्ट डिस्टेंस, इन्हें सिर्फ हॉप काउंट को कैलकुलेट करता, हॉप काउंट हॉप जितने कम हो रहे हैं तब तक पहुँचा दो बोले ऐसा। तो ये RIP का लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे RIP कंप्लीट ख़त्म हो जाता। अब हम आगे OSPF में बढ़ेंगे। OSPF क्या है,
वो कौन सा प्रोटोकॉल है, कैसा उसको कॉन्फिगर करते हैं, वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।